आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले ग्रीटिंग्स का अंदाज तो है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि रोज रोज ये बार बार गुड इवनिंग और नाइस टू सी यू क्या बोलना। आप सोचिए, हिंदी में भी हम जब किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या हम उनसे नमस्कार नहीं करते हैं क्या? यूं थोड़ी ना कि बार बार मिल रहे हैं तो हम लोग बोर हो जाएंगे नमस्कार कर करके। ये अभिवादन का तरीका रोज बोलना पड़ेगा। बोलिए नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। ग्रेट। पूछिए सर आपकी लाइफ कैसी? हाउ इज योर लाइफ? हाउ इज योर लाइफ? माय लाइफ इज गुड गाइस। जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, हो सकता है किसी ने इस चैनल को आज पहली बार ट्यून किया हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्पोकन का प्रोग्राम है और इसके अंदर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि वहां रटवाते हैं। अगर इसको रटना कहेंगे तो हिंदी को बच्चा क्या करता है? दो साल का पापा को देख देख के बोलता है, क्या वो रटना कहेंगे? जी नहीं। उसको कहते हैं हम टंग प्रैक्टिस, या फिर हिंदी में इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही इंसान अभ्यासरत होता है। आप हमारे साथ अभ्यास कीजिएगा, जैसा हम बता रहे हैं साथ साथ में करते रहिएगा और स्लाइड देने के पीछे साथ में लिखते भी रहेगा, क्योंकि लास्ट में इतना वक्त मिलता नहीं है। यस, शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हम हमेशा शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी कहावतों से, अच्छे मुहावरों से। बहुत अच्छी कहावत है कि सर लोहा ही लोहे को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड। ऊपर नीचे वाले ब्लॉक में लिख रखी है। बोलिए डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड। कुछ लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो हमें भी कभी गुस्सा आता है कि या तो जैसा कह रहा वैसा करके दिखा या चुपचाप बैठ जा। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है पुट अप और शट अप। पुट अप और शट अप। इंग्लिश मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में आपको देखने को मिल जाएगी, या तो जैसा कह रहा वैसा करके दिखा या चुपचाप बैठ जाए। पुट अप और शट अप। पुट अप और शट अप। तो तीसरी कहावत बताता हूं, सबसे बड़ी गरीबी मेरे अनुसार वो है कर्जा। जब इंसान के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है वो सबसे खराब गरीबी है। डेब्ट इज द वर्स्ट पॉवर्टी। क्या? डेब्ट इज द वर्स्ट पॉवर्टी। सबसे खराब गरीबी है कर्जा। बोलिए डेब्ट इज द वर्स्ट पॉवर्टी। डेब्ट इज द वर्स्ट पॉवर्टी। फिर से बोलिए डेब्ट इज द वर्स्ट पॉवर्टी। खून के रिश्ते ही होते हैं, बाकी सारे रिश्ते तो पानी के बराबर होते हैं। कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। ब्लड इज थीकर देन वाटर। ब्लड इज थीकर देन वाटर। अच्छी अच्छी कहावत है, आप लास्ट में लिख सकते हो, नीचे लिख रखा है स्लाइड में। बोलिए ब्लड इज थीकर देन वाटर। ब्लड इज थीकर देन वाटर। इंसान को सबसे ज्यादा जो प्रिय होता है वो होता है सबसे ज्यादा सस्ता। जो चीज सबसे सस्ती मिल रही है हर कोई लेने आ जाएगा उसको। सबसे सस्ता सबको प्रिय होता है सबसे ज्यादा। चीपेस्ट इज द डीरेस्ट। बोलिए चीपेस्ट इज द डीरेस्ट। अच्छी कहावत है, जब आपसे कोई कोई बार्गेनिंग कर रहा है, सर ये इतने पैसे में दे दो, आप कहावत यूज कर सकते हो चीपेस्ट इज द डीरेस्ट। चीपेस्ट इज द डीरेस्ट। एक और बहुत अच्छी कहावत बताता हूं कि तू यार इसकी टोपी उसके सर मत बिठा। बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में यूज करते हैं रॉब पीटर टू पे पॉल। रॉब पीटर टू पे पॉल। थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, मतलब पीटर को लूटना। रॉब पीटर मतलब पीटर को लूटना, किसको पे करने के लिए, किसको चुकाने के लिए? पॉल को चुकाने के लिए पीटर को रॉब करना, मतलब हिंदी में हम कहते हैं कि इसकी टोपी उसके सर करना। बोलिए रॉब पीटर। रॉब पीटर टू पे पॉल। टू पे पॉल। फिर से बोलिए रॉब पीटर टू पे पॉल। रॉब पीटर टू पे पॉल। ये कुछ कहावत, अच्छी अच्छी कहावत, अच्छे अच्छे मुहावरे नीचे दे रखे, आप लास्ट में लिखेगा। हम शुरुआत करते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट। क्या? लेट्स स्टार्ट। आप मुझे वन बाय वन पूछिए कि इस स्टूडियो में जब आप ये शूट करते हो सर, क्या आप यहाँ के बनाए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं? मुझसे पूछिए, डू यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन? डू यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन? फिर से बोलिए, डू यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन? सर क्या आप भी आपका जो अकाउंट है खुद ही मैनेज करते हैं? डू यू मैनेज योर अकाउंट? डू यू मैनेज योर अकाउंट? थोड़ा तेज बोलिए, डू यू मैनेज योर अकाउंट? जी मैं ही मैनेज करता हूँ। बोलिए आई मैनेज माय अकाउंट। आई मैनेज माय अकाउंट। फिर से बोलिए, आई मैनेज माय अकाउंट। मैं नहीं करता हूँ सर, आई डोंट मैनेज माय अकाउंट। आई डोंट मैनेज माय अकाउंट। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो भी काम करते हैं हमारी आदत में है इसलिए करते हैं। ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि जो भी काम हम करते हैं, हम वही काम करते हैं जो काम करने की हमारी इच्छा होती है या मन होता है। अभी एकदम से मन नहीं करता आइसक्रीम खाने का, लेकिन रास्ते में किसी को खाते हुए देख लोगे तो अपने आप मन सा करने लग जाएगा, मैं भी आइसक्रीम खा लूं। ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी काम करने का अभी मन कर रहा है
इच्छा हो रही या फिर कोई काम करना चाहता हूँ, सबके लिए हम लोग यूज करते हैं आई वॉन्ट टू. क्या आई वॉन्ट टू? वॉन्ट टू पढ़ा था, वॉन्ट टू का स्लैंग फॉरनर्स बोलते हैं वाना. अच्छे से पढ़ा था सर, मैं तो बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम ए टॉप गन. मैं बड़ी हस्ती बनना चाहता हूँ, पूरा सेंटेंस बोली आई वॉन्ट टू बिकम ए टॉप गन. आई वॉन्ट टू बिकम ए टॉप गन. ये आप अपनी इच्छाएं बता रहे हो कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये काम मैं करना चाहता हूँ. सर मैं तो विदेश जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. I want to go abroad. जी नहीं, आप ब्रेन ड्रेन मत होने दीजिए, इंडिया का ज्ञान है, बाहर मत जाने दीजिए, इंडिया में भी बहुत स्कोप है. मैं तो सर यहीं पे पढ़ाई करना चाहता हूँ, बाहर नहीं जाना चाहता हूँ सर. आई डोंट वॉन्ट टू गो अब्रॉड. जो भी काम करना चाहता हूँ, मन है, इच्छा है, सबके लिए हमने पढ़ा था आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू. लेकिन जो भी काम करने की इच्छा है आप करते हो, जरूरी क्या हर काम जो आप करते हो वो इच्छा से करते हो? ऐसे कई सारे काम है जो आपकी इच्छा नहीं होती फिर भी आप करते हो. क्यों? मजबूरी. बोलिए कंपल्शन. मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपल्शन. ऐसे कई सारे काम होते हैं जो हमारी इच्छा नहीं होती फिर भी हम लोग करते हैं मजबूरी के कारण. जैसे सुबह उठने की इच्छा किसकी होती है? मन करता है सुबह थोड़ी देर और सो जाएं. सबकी इच्छा होती है सो जाऊं, किसी की इच्छा नहीं होती फिर भी आप उठते हो. क्यों? बोलिए कंपल्शन. मजबूरी है. किसी को कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है, और किसी को अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर, अपने धंधे पर जाना है, इसलिए मजबूरी में वो काम हमें करना पड़ता है. तो मैं क्या कह रहा हूं? जी मैं यही कह रहा हूं, ऐसे कई सारे काम हमारी इच्छा नहीं होती हुए भी हमें करने पड़ते हैं, मजबूरी में करने पड़ते हैं. टीवी देख रहे हो, आपका सबसे पसंदीदा सा शो आ रहा है और बीच में आकर कोई काम बता दे कि ये काम कर, बिल्कुल मन नहीं करता आपका, फिर भी अगर पापा ने कहा है तो आपको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि पापा की बात टालने से रहे. बोलिए कंपल्शन. क्या कंपल्शन? ऐसे कई सारे काम जो इच्छा नहीं होती फिर भी आपको करना पड़ता है. अब सुनिएगा, हिंदी में अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बता रहे हैं कि यार मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं, सबसे पहली मजबूरी कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दूसरी मजबूरी कि मुझे खुद को झाड़ू लगाना पड़ता है, तीसरी मजबूरी कि मुझे खुद को चाय बनानी पड़ती है, चौथी मजबूरी कि मुझे खुद को कपड़े धोने पड़ते हैं, ऐसे कई सारे काम हिंदी में तो आप फटाफट मजबूरी बता दोगे, ये काम मुझे करना पड़ता है, ये काम मुझे करना पड़ता है. इंग्लिश में बताना है जो भी काम मेरी मजबूरी है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे कपड़े धोना पड़ता है, इंग्लिश में बताने के लिए यूज करते हैं आई हैव टू. क्या? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बोलो आई हैव टू गेट अप अर्ली. झाड़ू लगाना पड़ता है, पूरा सेंटेंस बोलो आई हैव टू स्वीप द फ्लोर. मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर. आधी बार तो खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू प्रिपेयर फूड. जो भी काम करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी सर आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स. अब सुनिएगा, ये हैव वो नहीं है जो हमने पहले पढ़ा है, ये हैव है ही नहीं, ये हैव टू है जिसके दो मायने निकलते हैं. अभी हमने एक अर्थ पढ़ा, उसका एक महत्व पढ़ा है कि जो भी काम मजबूरी में करना पड़ता है उसके लिए हम लोग have to का प्रयोग करते हैं. और आप सिर्फ इसको समझिएगा मत, घर पे जाके बताइएगा आप अपनी मजबूरी अपने दोस्तों को इंग्लिश में सेंटेंस बना बना के. जितने सेंटेंसेस आप बनाओगे उतना ही जबान पे फ्लो आएगा. राइट? जो भी काम आपको करना पड़ता है बताते रहिए आई हैव टू, आई हैव टू. इससे पहले दो हैव और पढ़ चुके हम लोग. एक तो हैव पढ़ा था हमने, कोई भी चीज पास में है, मेरे पास कार है, बोलो आई हैव अ कार. आई हैव अ कार. मेरे पास बैंगलो है, मेरे पास बाइक है. वो है अलग था, वो वर्ब था, उसकी तीन फॉर्म थी, हैव हैड हैड. ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं. दूसरा हैव पढ़ा था हमने, कल की क्लास में भी पढ़ रहे थे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. कोई भी काम खत्म हो जाता है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म से बताते हैं, ये भी पढ़ा था. आज हम वो हैव नहीं पढ़ रहे हैं, आज तीसरा हैव का रूप है, ये हैव टू है. कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैव टू. जैसे यहाँ के बनाए गए इंस्ट्रक्शन कुछ रूढ़िवादी से हैं, मुझे तो ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता है. क्या लगता है? वर्ड बोलिए, अच्छे वर्ड है. रूढ़िवादी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स. सर ये इंस्ट्रक्शंस मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती फॉलो करने की. पहले सेंटेंस बोलिए, मेरा मन नहीं करता इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का. आई डोंट वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. आई डोंट वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. लेकिन क्या करें, मजबूरी है सर, मुझे फॉलो करने पड़ते हैं. इंग्लिश में आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. तो जो काम करने की इच्छा नहीं होती फिर भी करने पड़ते हैं मजबूरी में, आई हैव टू, आई हैव टू. ये तो पता आप खुद की मजबूरी बता रहे हो कि ये काम मुझे करना पड़ता है, ये काम मुझे करना पड़ता है. सामने वाले से पूछना, मैं कौन हूं? मेरे लिए आई. मेरे लिए आप कौन है? यू. यू से अगर आदत पूछनी, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप टैक्स चुकाते हो क्या, तो डू यू पे टैक्स. क्या? डू यू पे टैक्स. लेकिन अगर मजबूरी पूछनी कि आपको टैक्स चुकाना पड़ता है क्या, तो डू यू के बाद यूज करिए हैव टू और पूरा सेंटेंस बनाइए डू यू हैव टू पे टैक्स. फिर से बोलिए, क्या आपको टैक्स चुकाना पड़ता है? डू यू हैव टू पे टैक्स? जी मुझे टैक्स चुकाना पड़ता है, आप बता रहे हैं आई हैव टू पे टैक्स. नहीं, मुझे तो कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता सर. आई डोंट हैव टू पे टैक्स. इज दैट क्लियर? Yes. कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में आप दो तीन चार स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जब भी कुछ काम पड़ता है तो पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, उन्हें राजी करना पड़ता है. इंग्लिश में बोलते हैं पर्स्यूएड. क्या पर्स्यूएड?
आधी बार पापा नहीं मान रहे हैं तो मम्मी से जेक लगवाना पड़ता है, मम्मी आप बोलो ना। Persuade parents, क्या? Persuade parents. राजी करना, इच्छा नहीं होती राजी करने की, कई बार ईगो सामने आता है, आई डोंट वॉन्ट टू परसुएट पेरेंट्स, लेकिन दोस्तों के साथ पिकनिक भी जाना है इसलिए क्या करें, कभी कभी मजबूरी में माता पिता को भी हमको राजी करना पड़ता है, मनाना पड़ता है, आई हैव टू परसुएट पेरेंट्स, आई हैव टू परसुएट पेरेंट्स, जो भी काम मजबूरी में करना पड़ता है ये खुद की आप मजबूरी बता रहे हो, सामने वाले से पूछना है, आप मेरी मजबूरी पूछिए, मेरी मजबूरी पूछ रहे हो यू, मैं कौन हूं आपके लिए, मुझसे पूछना है डू यू, उसके आगे मजबूरी पूछ रहे हो हैव टू लगा के, मुझसे पूछिए सर क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सबान फिसल रही, इट मींस प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं इट मींस फ्लो आ ही नहीं सकता है, बोलिए डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, फिर से बोलिए, क्या सर आपको भी अपना अकाउंट मैनेज करना पड़ता है, क्या डू यू हैव टू मैनेज अकाउंट, कभी कभी श्रीमती जी जब गुस्सा करते हैं तो आदमी को थोड़ा हैंडपैक्ड बनना पड़ता है, हैंडपैक्ड समझते हो, जोरू का गुलाम वर्ड बोलिए, बिकम हैंडपैक्ड, बिकम हैंडपैक्ड, आप मेरी मजबूरी पूछिए सर क्या आपको जोरू का गुलाम बनना पड़ता है, क्या पूछिए, डू यू हैव टू बिकम हैंडपैक्ड, डू यू हैव टू बिकम हैंडपैक्ड, फिर से बोलिए, डू यू हैव टू बिकम हैंडपैक्ड, यस आई हैव टू बिकम हैंडपैक्ड, डू यू हैव टू बिकम हैंडपैक्ड, नहीं करो तो जमाना महिलाओं का क्या पता कब कौन केस कर दे, मना कर दी थी पहले, मुझे तो नहीं करना पड़ता है, बोला आई डोंट हैव टू बिकम हैंडपैक्ड, बिकम हैंडपैक्ड, कभी कभी गेस्ट आ रहे थे तो कुछ कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और हो जाता आधा घंटा, लेकिन क्या करें, गुस्सा तो निकालने सर मेहमान के ऊपर, मजबूरी है, इंतजार करने की इच्छा नहीं होती गेस्ट की लेकिन फिर भी करना पड़ता है सर, आई डोंट वॉन्ट टू अवेट फॉर गेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू अवेट फॉर गेस्ट, लेकिन इंतजार करना पड़ता है, बोलो आई हैव टू अवेट फॉर गेस्ट, आई हैव टू अवेट फॉर गेस्ट, कभी कभी कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं कि हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, सहन करना, दिल से कोई चीज सहन करना उसको बोलते हैं एंडियर, क्या एंडियर, और दर्द दुख को बोलते हैं सौरव, पूरा बोलिए एंडियर सौरव, एंडियर सौरव, पीछे लिख रखी ये सारी वोकैबुलरी आप स्लाइड से बाद में लिख सकते हो, एंडियर सौरव, एंडियर सौरव, मतलब दुख सहन करना, किससे, मन ही मन में दुख सहन करना, ये भी मजबूरी होती है अपने आप में, मेरी मजबूरी पूछिए सर क्या आपको भी ऐसे कभी कभी दुख सहन करना पड़ता है, पूछिए डू यू हैव टू, और आगे लगाइए एंडियर सौरव, पूछिए डू यू हैव एंडियर सौरव, यस आई हैव टू एंडियर सौरव, डू यू हैव टू एंडियर सौरव, यस आई हैव टू एंडियर सौरव, डू यू हैव टू एंडियर सौरव, नो डियर आई डोंट हैव टू एंडियर सौरव, ओके बात खत्म हो जाए तो रिस्पॉन्ड करिए, ओके ओके, अब देखिए मैंने इतने सेंटेंसेस बुलवाए तब जाके ये वाला सेंटेंस आप अपने आप अपनी जुबान से निकाल पाए, रीजन प्रैक्टिस, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करवाई तो वो सेंटेंसेस फ्लो में आने लग गए, और यही स्पोकन का गुरु मंत्र होता है कि जितनी बार आप वाक्यों को अपनी जुबान से बोलेंगे उतना ही परफेक्शन धीरे धीरे आता जाएगा। बहुत दिलचस्प बात है जो शुरू में मैंने बताई थी कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ऐसा कैसा हमने हिंदी में भी किया था, आप प्लीज यहां पे भी फॉलो करिएगा, ज्यादा सवाल पूछिएगा, ये प्रैक्टिस घर पे करनी, एक यूज और हैव टू का, एक तो कोई भी काम रोज करना पड़ता है उसके लिए हमने डिस्कस किया आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा, दूसरा यूज और हैव टू का, कोई काम अभी करना ही है अनिवार्य है, जैसे पिताजी वहां खड़े बाहर मुझे जाना ही है तो उसके लिए भी हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, आई हैव टू गो, क्या तुम लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो, आज तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना ही है, यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क, तो कोई काम अनिवार्य रूप से करना ही है, जो हमने पहले पढ़ा था मस्ट, उसकी जगह भी आप हैव टू का प्रयोग कर सकते हो, तो दो जगह आप यूज करेंगे हैव टू का, एक तो कोई काम रोज करना पड़ता है और दूसरा कोई काम अभी करना ही है उसके लिए भी आप हैव टू का प्रयोग करेंगे, ओके ज्यादा से ज्यादा आप घर पे जाके सेंटेंसेस बनाएंगे, एंड जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं सूचित कर देना चाहता हूं कि सिर्फ समझने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, बोलना अगर सीखना है तो हम जैसे अभ्यास करवा रहे हैं यहां पे स्टूडियो में, आप भी घर पे अपने भाई बहन के साथ या फिर जो भी घर में आपके साथ शख्स हैं उनके साथ इन सेंटेंसेस का डायरेक्ट प्रैक्टिकल अभ्यास कीजिएगा, सवाल हो मुसीबत हो नहीं आ रहा हो आपके पास सुविधाएं हैं, नंबर अभी लिखिए नहीं तो भूल जाएंगे, 9950335575 व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके, यही नहीं आप टाइटेनियम विजिट कर सकते हैं, इट्स वेरी अप्रोचेबल, मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, टाइटेनियम एजुकेशन सेकंड फ्लोर टाइटेनियम प्लाजा आयर ठोकर रोड, फोन करके पूछ सकते हैं, और आप इससे ज्यादा ये क्लासेस यूट्यूब पे देख सकते हैं, लिंक बता रहा हूं www.youtube.com/c मींस चैनल, मेरे नाम का चैनल बना हुआ / मुकेश जनवार टाइटेनियम एजुकेशन, जाइएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फायदा उठाइएगा, नहीं मिले तो फेसबुक लिंक दे रहा हूं, टाइटेनियम एजुकेशन पेज लाइक कीजिएगा, वहां पे जुड़िएगा और कोई भी सवाल है पूछिएगा, और इन जो क्लासेस के वीडियोस हैं इसका लिंक आपको वहां पे भी मिलेगा, हमारी वेबसाइट, और भी ज्यादा अगर आपको कुछ सीखना है समय अगर आपके पास है, वेबसाइट का लिंक लिखिए www.titaniumedu.com, वहां से भी आप सीख सकते हैं, आपको पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन
ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, सिर्फ लिखने से ज्ञान बढ़ेगा, बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोग भी साथ साथ में जो चीजें बता रहा हूं अभ्यास कीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा, नहीं आए तो कल आके पूछिएगा, राइट? पीडी के तौर पे मैं आपको कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं, स्पेशली ये प्रोग्राम जो घर पे देख रहे हैं, कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के ऊपर कभी तुलना नहीं करें। हमारे यहाँ टाइटेनियम पे से कई सारे विद्यार्थी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि सर मेरा बच्चा निठल्ला है, पढ़ाई नहीं करता है, उनका बच्चा इंटेलिजेंट है, 95% लाता है। ये अपने आप में एक नकारात्मक विश्लेषण कर रहे हो और आप अपने बच्चे को जबरदस्ती उसका मनोबल गिरा रहे हो। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पढ़ाई के अंदर ही निपुण हो सकता है आपका बच्चा आपके पड़ोसी के बच्चे से कुछ अदर एक्टिविटीज में उससे भी ज्यादा कुशल हो, एक्सपर्ट हो। आप उनकी क्वालिटी को पहचानिए और मोटिवेट करिए, कोई बात नहीं बच्चा, जितना तू पढ़ रहा है अच्छे मार्क्स लाइए, पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ टाइटेनियम पर ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो पढ़ने में शायद एवरेज हैं, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं, बोलते हैं, उनके जो आत्मविश्वास का लेवल होता है उनको देखकर हमें लगता है कि हाँ ये शख्स जिंदगी में बहुत आगे निकलेगा। तो आप अपने बच्चे बच्चियों को इस तरीके से टॉर्चर नहीं करें, कि इस तरीके से नकारात्मक विश्लेषण उनके सामने प्रस्तुत नहीं करें कि तू किसी काम का नहीं है, उनके मोटिवेट करें। अल्टीमेटली आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति आपका बेटा आपकी बच्ची है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, मोटिवेट करें। और अगर कभी कुछ सहायता की ज़रूरत हो, आपका बच्चा नकारात्मक सोच की तरफ जा रहा है, आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। ऐसे कई सारे विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, उनको हम मनोबल के तौर पर ऐसी बहुत सारी चीजें बताते हैं, और न सिर्फ बताते हैं बल्कि माहौल भी देते हैं। और ऐसा आपके साथ भी है, आप भी तुलना नहीं करें। कभी कभी इंसान खुद को ऐसा नर्वसनेस महसूस करवाता है कि मेरे दोस्त आगे निकल गए, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। सब आदमी का अपना पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल के अनुसार ही काम करता, और ये एक प्रैक्टिकल पहचान होती है, सूझबूझ होती है, जो हर शख्स के अंदर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर। नाइस मीटिंग विद यू सर। जाते जाते क्या बोलना है, ये तीन चीजें आपको रोज बोलनी है, चार चीजें और बढ़ाइए मत करो। और बोलिए नाइस मीटिंग विद यू। नाइस मीटिंग विद यू। हैव अ नाइस टाइम। हैव अ नाइस टाइम। अगली क्लास में मिलते हैं सर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आज के लिए इतने काफी, आप भी सवाल पूछिएगा, इंतजार रहेगा आपके सवालों का। बेहद खुशी होती है, सचमुच बहुत खुशी होती है जब आप सवाल पूछते हैं और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी दुआ देते हैं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम को देने का है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार करना है, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को ट्रेन करके एक देशभक्ति का काम कर रहा हूं। लोग चाहे कुछ भी सोचे, मेरा यह मानना है कि मैं अपने युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूं, और उन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूं जो युवा आने वाले समय में हमारे ही देश की सेवा करेंगे। आप ऐसी सोच रखिए, हर काम में देशभक्ति जोड़िए और अच्छा काम कीजिएगा। इंतजार रहेगा आपके सवालों का, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतने काफी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा, नंबर नोट करिएगा, थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है, और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ, पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़, शहर की धड़कन।